महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बात आज रात फाइनल हो जाएगी, लेकिन झारखंड में आज एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया। झारखंड की कुल 81 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 10 सीटों पर सहयोगी आजसू अपने कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दी गई है। एनडीए की सीट शेयरिंग के ऐलान के वक्त झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ साथ आजसू नेता सुदेश महतो मौजूद थे। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग करीब करीब फाइनल हो गई है, लेकिन अभी भी चर्चा चल रही है, थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में इस बार बीजेपी, आजसू, जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत जल्द एनडीए के कैंडिडेट्स का नाम भी डिक्लेयर हो जाएगा। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड में हमने फैसला किया है, केंद्र ने फैसला किया है कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। झारखंड में 2014 का चुनाव बीजेपी और आजसू ने साथ साथ लड़ा था और एनडीए ने सरकार भी बनाई थी, लेकिन पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच समझौता नहीं हो पाया था, दोनों अलग चुनाव लड़े। इसका नुकसान आजसू को भी हुआ, बीजेपी को भी हुआ। आज आजसू के नेता सुदेश महतो ने कहा कि अब झारखंड की जनता करप्शन से निजात पाने के लिए बदलाव चाहती है। इस बार झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलके इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे। एनडीए के सीट बंटवारे और आजसू के एनडीए के साथ लड़ने को लेकर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी पिछला चुनाव हारी थी, इसलिए इस बार हाथ पैर जोड़कर आजसू को साथ आने के लिए मनाया है, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर ले, सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। एनडीए गठबंधन में लगातार लोग आते जाते रहते हैं। पिछले बार आजसू नहीं था, इस बार खुशामद करके उनको लाने का काम किया है। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको भी इन्होंने अकोमोडेट करने का काम किया है, क्योंकि वो लगातार ये देख रहे थे कि हमने जो पिछली बार चुनाव लड़ा था अकेले में तो उसका क्या नतीजा हुआ था, तो इसलिए वो एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। और दो चार पार्टियां बची है, उनको भी अकोमोडेट कर लेंगे तो हम समझते हैं कि ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर हम देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब झारखंड में तो लगभग समझौता हो गया ऐसा सभी नेताओं ने बताया, तो ये कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि उम्मीदवारों के नाम भी जाने को मिल जाए? और झारखंड के हिसाब से अगर देखें सौरभ, तो बीजेपी ने, क्योंकि उनको 68 सीटों पे चुनाव लड़ना है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई थी उसमें से 56 सीटों पे उम्मीदवारों के नाम को तय कर लिया गया था और इसके अलावा बाकी जो 12 सीटें थी उसके बारे में कुछ विचार विमर्श चल रहा था, जिनमें से दो दो के ऑप्शन थे, उनमें से सब पे एक ऑप्शन नहीं था, दो दो का ऑप्शन बच गया था। प्रमुख नामों के लिहाज से अगर बात कर लें तो बाबूलाल मरांडी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं लोकसभा चुनाव हारे हैं, उनको चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। पार्टी ने यह फैसला किया है कि उनकी पत्नी वहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और इसके अलावा अर्जुन मुंडा की पत्नी के नाम की बात करें तो मीरा मुंडा उनका नाम है, वो चुनाव लड़ेंगी। चंपई सोरेन जो कि जेएमएम से आए थे वो चुनाव लड़ेंगे, उनको उनके बेटे को भी टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा गीता सोरेन को टिकट दिया जाएगा। सीट वाइज बात करें तो बाबूलाल मरांडी राजधनवार से, मीरा मुंडा जो कि अर्जुन मुंडा की पत्नी है, पोटका जो कि जमशेदपुर के साथ लगी हुई सीट है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा गीता कोड़ा जगन्नाथपुरी से, मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा, चंपई सोरेन
सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे, बाबूलाल सोरेन जो कि चंपई सोरेन के बेटा हैं घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे, और इसके अलावा जेडीयू के सरयू राय, जेडीयू कोटे में जो दो सीटें दी गई है उनमें से एक पे सरयू राय, जिन्होंने रघुवर दास को पिछले विधानसभा चुनाव में हराया था, मुख्यमंत्री जब रघुवर दास थे वहाँ से जमशेदपुर पश्चिम से उनको टिकट दिया जाएगा, जेडीयू कोटे से अलग वो होंगे। और इसके अलावा विरंची नारायण को बोकारो से, देवेंद्र कुंवर को जरमुंडी से, अशोक भगत को महगामा से, रविंद्र पांडे जो कि पूर्व सांसद है उनको बेरमो से, सुरेंद्र सरन को दुमका से टिकट दिया जाएगा, अमर कुमार बारी जो कि अभी नेता प्रतिपक्ष है वहाँ विधानसभा में उनको चंदन कियारी से टिकट दिया जाएगा, अनंत ओझा को राजमहल से, प्रदीप प्रसाद को हजारीबाग से, गोड्डा से अमित मंडल को, नीरा यादव को कोडरमा से, मनोज यादव को बरही से, निरसा से अपर्णा सेन गुप्त, झरिया से रागनी सिंह। तो इस तरह से लगभग 56 नाम ऐसे हैं जो कि बीजेपी तय कर चुकी है, कल उम्मीद की जा रही है। आज शाम के बाद हमें ये बताया गया था कि आज शाम के बाद कभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, और सीट के लिहाज से जैसा कि आपने सुना ये 68 सीट बीजेपी 10 आंसू को दिया जा रहा है, पिछली बार आंसू 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 2 बढ़ाया है बीजेपी ने, 2 जेडीयू, 1 एलजेपी, एलजेपी के कोटे में चतरा वाली सीट जाएगी। सौरभ बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। देवेंद्र पराशर बता रहे थे बीजेपी ने झारखंड की 68 में से 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बाबूलाल मरांडी राजधनवार सीट से, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका सीट से, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुरी सीट से, जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला से, और चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला सीट से चुनाव लड़ेंगे। देवेंद्र ने बहुत सी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम बता दिए। उन्होंने बताया कि बीजेपी की पहली लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम होंगे और हो सकता है कि कल तक यह पहली सूची आ जाए, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा अभी तक हुआ ही नहीं है। पिछले चुनाव में झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इस अलायंस में सीपीआई एमएल को भी शामिल किया गया है, इससे सीटों को लेकर खींचतान और बढ़ गई है। अब कल राहुल गांधी रांची आ रहे हैं, राहुल गांधी की हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के साथ मीटिंग होगी और इसमें सीट शेयरिंग पर फैसला हो सकता है। तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच चुके हैं, रांची में आरजेडी के नेताओं के साथ मीटिंग के बाद तेजस्वी ने इतना कहा कि अभी अभी तो वो आए हैं, सीट बंटवारे को लेकर जो भी फैसला होगा खुद बताएंगे। हम लोग पहुंचे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। झारखंड में चुनाव से ठीक पहले आज एनडीए को 2 झटके भी लगे। आजसू के नेता और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और बीजेपी के विधायक केदार हाजरा आज हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हेमंत सोरेन ने खुद इन दोनों नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराई। केदार हाजरा झारखंड की जमुआ से 3 बार के विधायक हैं, वो जमुआ से जेएमएम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, जबकि उमाकांत रजक को चंदन क्यारी सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। आज हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी कितने भी दावे कर ले, लेकिन इस बार वो झारखंड में बीजेपी का डब्बा गोल करेंगे। सबसे बड़ा नेता जनता, हम लोग मात्र एक माध्यम है, और आज हमारे साथ जो उमा रजक जी और केदार हाजरा जी ने जो योगदान दिया है, उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का, 81 की 81 विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को उनको डब्बे में बंद करेंगे। हेमंत सोरेन को जवाब दिया झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड का यह चुनाव रोटी बेटी और माटी की लड़ाई है, इसलिए झारखंड की जनता इस बार जेएमएम और कांग्रेस को सबक सिखाने वाली है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते हैं, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, और आज तो इस प्रदेश में जब डेमोग्राफी बदली है कि आदिवासी बिल्कुल चिंतित है। संपूर्ण झारखंड में जहां 1951 में 36% के करीब आबादी थी, आज मात्र 26% आबादी रह गई है संपूर्ण झारखंड। उसमें भी जब हम संथाल परगना को देखते हैं तो 1951 में जहां 44% आबादी थी वहां पर आज मात्र 28% आबादी रह गई है, यानी 16% की यह गिरावट।
झारखंड के पिछले इलेक्शन में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, लेकिन बीजेपी अकेले मैदान में थी। इसके बाद ही बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले। जेएमएम का वोट परसेंट 19% और जबकि बीजेपी को उससे 11% ज्यादा 30% वोट मिले थे। लेकिन जेएमएम ने 30 सीटें जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई और 25 सीटें जीतकर बीजेपी विपक्ष में बैठी। पिछले इलेक्शन में झारखंड की ज्यादातर सीटों पर वोटों के बिखराव का फायदा जेएमएम और कांग्रेस को हुआ। आजसू से अलायंस करके बीजेपी ने इस बार अपनी पुरानी गलती को सुधार लिया है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा।